हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर कहते हैं हेंस ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन द इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें एक्सप्रेशन भी निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन का। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं की कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा, द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड ओवर हियर वो क्या होता है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन मतलब होता है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा मैग्निफिकेशन, यही हमारा की कॉन्सेप्ट। अभी मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तब आपको दिखेगा। देखो अगर मैं रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, सो लेट मी ड्रॉ दैट रे डायग्राम ओवर हियर। सो इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये हमारा प्लेन है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ रे डायग्राम एक बार। सो एज यू कैन सी आई हैव ड्रॉन द रे डायग्राम ओवर हियर। मैं समझा देता हूँ कैसे हमने बनाया। देखो यहाँ पर आप एक लेंस रखेंगे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर एक लेंस रखेंगे आईपीस। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला है ओ और यहाँ पर बीच में रखा आईपीस वाला है ई। देखिए ध्यान रखिएगा, एक रे जाएगी आपकी फोकस से, एक रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे ले जाएंगे आप यहाँ पर, यहाँ पर ये स्ट्राइक की और यहाँ पर। तो यहाँ पर मीट करेंगे तो यहाँ पर ये एक इमेज बनाएंगी बी डैश और ए डैश। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज बनाएंगी। अब यहां से बाद जब ये देखो यहां पर आईपीस रखा हुआ, तो आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से जाकर के फिर यहां पर ये इमेज बनाएंगी बी डबल डैश ए डबल डैश। ठीक है, हमें निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन। ऐसा बोला है हमको कि जब टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है, जब इमेज कहां बनेगी बच्चों जाकर के, ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी जाकर के। ठीक है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं जो लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। सो वी कैन से दैट द लीनियर मैग्निफिकेशन किसके कारण, ऑब्जेक्टिव के कारण, ड्यू टू ऑब्जेक्टिव वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई एफ ओ। यानी कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ एस डैस बाई एच, ये लिखा हुआ है एस डैस बाई एच मतलब एल बाई एफ ओ, क्योंकि एल क्या होता है, एल होता है एफ ओ प्लस एफ ई। सो दैट इज इक्वल टू एच डैस बाई एफ, ठीक है, एफ नॉट। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, सो लेट मी से दैट कि वेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, वेन जब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पर, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीएस क्या होगा, देयर फोर द एंगुलर मैग्निफिकेशन किस कारण मैं बोल रहा हूँ, ड्यू टू आईपीएस। ध्यान रखिएगा आप यहां पर, मैं आईपीएस बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ड्यू टू आईपीएस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, एच ई। ठीक है, डी बाई एफ ई हो जाएगा। अब बच्चों अगर फर्दर मैं इसको देखूं, तो यहां पर एल बाई एफ ओ है, यहां पर डी बाई एफ ई, तो हमको निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन यहां पर बताना है मुझे। सो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, द टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई एफ ओ और मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई एफ ई से। सो दैट इज द टोटल मैग्निफिकेशन, एल बाई एफ ओ और डी बाई एफ ई, दिस इज द टोटल मैग्निफिकेशन एंड दिस इज अवर आंसर ओवर हियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।